हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज पवन नागर और ये मीडियन नरू का थर्ड वीडियो है। तो देखिए, सबसे पहले हम पूरा रिवीजन कर लेते हैं। इसके पहले वीडियो में, मीडियन नरू के पहले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, सारी की सारी मसल्स जिनको मीडियन नर्व सप्लाई करती हैं। सेकंड वीडियो में क्या पढ़ा था कि मीडियन नर्व को ड्रॉ कैसे करते हैं, और उसी के बाद हमने मीडियन नर्व को हैंड की सप्लाई पे छोड़ दिया था। कहाँ छोड़ना था कि जैसे ही मीडियन नर्व फ्लेक्जर रेटिनाकुलम के डीपली जाती है और उसके बाद इंटर करती है कहाँ पे, हैंड के अंदर। तो देखिए यहाँ लिख रखा है डीप टू फ्लेक्जर रेटिनाकुलम। तो देखिए उसके बाद मैंने, अब हम यहाँ तक छोड़ दिया था, सेकंड वीडियो में। उसके बाद इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे इस पूरे पोर्शन के बारे में, ओके, कि यह हैंड में कैसे सप्लाई करती है। तो देखिए मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ और उसके बाद का पूरा पोर्शन होगा इसका हैंड का, हैंड में यह कैसे इंटर करती है। तो देखिए हैंड में अब आई, ये हाई मीडियन नर्व इंटर किया हैंड के अंदर, और देखिए हैंड के अंदर जैसे ही ये रेटिनाकुलम को क्रॉस करती है, ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। दो पार्ट कौन से, देखिए मैं इसे लेटरल कंसीडर कर रहा हूँ एंड मैं इसे मीडियल कंसीडर कर रहा हूँ, ओके। तो देखिए एक होगा इसका मीडियल डिवीजन, एक होगा इसका लेटरल डिवीजन। और देखिए जो मीडियल डिवीजन होता है, पहले लिख देते हैं, दिस इज मीडियल डिवीजन एंड दिस इज लेटरल डिवीजन। ओके, तो देखिए जो मीडियल डिवीजन होता है वो देता है दो पाल्मर डिजिटल ब्रांचेज, ओके, और जो लेटरल डिवीजन होता है ये देता है तीन पाल्मर डिजिटल ब्रांचेज। तो 1, 2 एंड 3, तो लेटरल ने दी 3, इसने दी 2, क्या, पाल्मर डिजिटल ब्रांचेज। तो देखिए यहाँ लिख देते हैं, इसने दी यहाँ पे 2 पाल्मर डिजिटल ब्रांचेज, इसने दी 2, इसने दी कितनी बार, इसने दी 3, 3 क्या, इसने दी 3 पाल्मर डिजिटल ब्रांचेज, इसने दी 2। तो देखिए इसने 2 दी, इसने 3 दी है। उसके बाद क्या होता है, जो मीडियन नर्व की पाल्मर डिजिटल ब्रांचेज होती है 2, ये जाती है क्लेफ्ट को। क्लेफ्ट को मतलब कैसे, देखिए ये फिंगर है, तो एक ये वाला स्पेस है इन दोनों फिंगर्स के बीच और एक ये वाला स्पेस है इन दोनों फिंगर्स के बीच। तो देखिए एक ब्रांच जाएगी इसको, एक ब्रांच जाएगी इसको, ये दोनों ब्रांचेज की मैं बात कर रहा हूँ, एक जाएगी इसको, एक जाएगी इसको, एंड देन इसको जाने के बाद ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। यहाँ पे एकदम सेंटर में कोई ब्रांच गई और उसके बाद ये दो पार्ट में डिवाइड हो गई, उसी तरह से यहाँ सेंटर में गई और दो पार्ट में डिवाइड हो गई। देखिए अब इसको क्लियर करेंगे, ये पूरा डायग्राम हम यहाँ पे हैंड में ड्रॉ करेंगे, ओके। तो देखिए वही, ये आगे जाके दो पार्ट में डिवाइड हो गया और ये आगे जाके दो पार्ट में डिवाइड हो गया, ओके। तो देखिए ओवरऑल आपको पता होगा कि ईच डिजिट्स या ईच फिंगर के लिए 2 नर्व होती है। अगर ये फिंगर है तो इसके एक इधर होगी, एक इधर होगी, एक इधर होगी और एक इधर होगी ना, एक इधर होगी और एक इधर होगी। तो बेसिकली वही है, ईच फिंगर के लिए 2, ईच फिंगर के लिए 2, ईच फिंगर के लिए 2, एंड देन इसके लिए, मतलब मीडियन नर्व के लिए, इस फिंगर के लिए एक ही है। और दूसरी कहाँ से आएगी, दूसरी आएगी अल्नर नर्व से। तो देखिए ये क्या है, दिस इज थंब, लेटरल साइड थंब भी होता है, देखिए ना लेटरल साइड थंब भी होता है, ओके। ये क्या है, ये है हमारी इंडेक्स फिंगर, और ये क्या है, इंडेक्स के पास क्या होती है, मिडिल फिंगर, और मिडिल फिंगर के जस्ट पास क्या होती है, रिंग फिंगर। तो देखिए थंब को सप्लाई किया, इंडेक्स को पूरी को सप्लाई किया, मिडिल को सप्लाई किया पूरी को, बट रिंग फिंगर, जो ये रिंग फिंगर है, इसके ओनली लेटरल पोर्शन, ओनली लेटरल पोर्शन को सप्लाई किया किसने, मीडियन नर्व ने, ओके। तो देखिए ओवरऑल कितनी फिंगर हुई, 1, 2, 3 एंड हाफ, ओवरऑल ये सप्लाई करती है 3 एंड हाफ, सॉरी ओवरऑल सप्लाई करती है किनको, 3 एंड हाफ फिंगर को। तो देखिए ये तो हो गई इसकी डिजिटल ब्रांचेज, कौन सी, पाल्मर डिजिटल ब्रांचेज। बट अब क्या होता है, हमें मसल्स पढ़नी है, क्योंकि हमने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि ये टोटल 5 मसल्स को सप्लाई करती हैं, अभी हमने 5 मसल नहीं पढ़ी है। तो देखिए बहुत सिंपल है, जो ये इसको लेटरल डिवीजन होता है, ये 3 पाल्मर डिजिटल में डिवाइड हुई, उससे जस्ट पहले
ये एक देती है रिकरेंट ब्रांच। रिकरेंट मतलब अपोजिट, नॉर्मली क्या होता है ऊपर से नीचे जाती है, बट ये अपोजिट जाती है नीचे से ऊपर, इसीलिए बोल दिया रिकरेंट। तो ये रिकरेंट ब्रांच किसके लिए है, थिनर थिनर मसल्स के लिए। थिनर मसल्स देखिए ये थिनर ग्रुप है, थंब के पास ये थिनर एमिनेंस एंड दिस इज हाइपोथिनर एमिनेंस। तो जो थिनर एमिनेंस की मसल होती है उनको सप्लाई करती है कौन, रिकरेंट ब्रांच। किसकी रिकरेंट ब्रांच, रिकरेंट ब्रांच ऑफ लेटरल डिवीजन ऑफ मीडियन नर्व। तो थिनर मसल्स होती है टोटल तीन, तो और वह तीन मसल्स कौन सी है वो हमने यहाँ पढ़ ली है। एक होती है एबडक्टर पोलिसिस ब्रेविस, फ्लेक्जर पोलिसिस ब्रेविस एंड ओपोनेंस पोलिसिस। तो देखिए दिस इज फ्लेक्जर पोलिसिस ब्रेविस, एबडक्टर पोलिसिस ब्रेविस एंड दिस इज ओपोनेंस पोलिसिस, दिस इज एबडक्टर। ओके, तो ये तीनों क्या है, ये तीनों की तीनों है हमारे पास थिनर मसल, थिनर मसल। ओके, और जो ये ब्रांच है ये ब्रांच कौन सी है, दिस इज रिकरेंट ब्रांच। रिकरेंट क्यों, क्योंकि ये नीचे से ऊपर जा रही है। ओके, तो ये हो गई रिकरेंट ब्रांच। ओके, अब आते हैं लम्ब्राइकल्स पे। तो हमने टोटल पांच मसल बताई थी ना, पांच मसल से सप्लाई करती है 1, 2, 3 एंड दो लम्ब्राइकल्स। तो अब हमें पढ़ना है दो लम्ब्राइकल्स के बारे में। तो देखिए अब लम्ब्राइकल्स को नर्व कहाँ से निकलती है वो देखना है। तो देखिए बहुत सिंपल है, जो इंडेक्स फिंगर है ना इसी से निकलती है लम्ब्राइकल्स को ब्रांचेज। ओके, देखिए ये वाली इंडेक्स फिंगर है, एक इधर से निकलेगी एक इधर से निकलेगी। तो देखिए जो इसकी थर्ड होती है इंडेक्स फिंगर की, जो लेटरल वाली होती है उसको, उससे निकलती है लम्ब्राइकल्स फर्स्ट को, मतलब इसी से एक ब्रांच निकलेगी किसको, फर्स्ट लम्ब्राइकल्स को। और सेकंड लम्ब्राइकल को ब्रांच कहाँ से मिलेगी, इससे, नोट इससे, इन दोनों से नहीं मिलेगी, इससे मिलेगी। ओके, तो इससे एक ब्रांच निकलती है और वो सप्लाई करती है किसको, सेकंड लम्ब्राइकल्स को। तो फर्स्ट लम्ब्राइकल को ये करेगी, सेकंड लम्ब्राइकल को ये करेगी। तो देखिए हमारे पूरी की पूरी पांचों मसल हो गई, 1, 2, 3, 4, 5। अब देखिए इस डायग्राम को हम ओरिजिनली देखते हैं कि ऑफिशियली होता क्या है, मतलब रियल में होता क्या है। तो देखिए बहुत सिंपल है, यही डायग्राम हम यहाँ ड्रॉ करेंगे। तो देखिए सबसे पहले कुछ नहीं, ये क्या है, मीडियन नर्व आई। ओके, दो पार्ट में डिवाइड हुई, कर देते हैं, ये हुआ लेटरल ये हुआ मीडियल पोर्शन। ओके, दो पार्ट में डिवाइड हो गई, बहुत सिंपल है। जो लेटरल वाले है इसने तीन दिया, तीन ब्रांचेज दी, तीन में से दो किसके लिए है, थंब के लिए। तो देखिए एक गई थंब को एंड देन ये सेकंड भी गई थंब को, और नंबर थर्ड कहाँ जाएगी, इंडेक्स फिंगर के लेटरली। देखिए हमने वही ड्रॉ किया है, थंब को दो भेजी है और इंडेक्स फिंगर के लेटरली एक भेजी है। ओके, तो ये तो हो गया क्या, ये तो हो गया हमारा लेटरल डिवीजन के बारे में। तो ये तो हुआ हमारा लेटरल डिवीजन। ओके, तो ये तो हुआ लेटरल डिवीजन। उसके बाद आते हैं मीडियल डिवीजन पे। तो देखिए मीडियल डिवीजन ने दिया दो ब्रांचेज, तो बहुत सिंपल है, दो ब्रांचेज किसको दिया, इस स्पेस को, एक इस स्पेस को देगा एक इस स्पेस को देगा। देखिए ये मीडियल डिवीजन गया, एक दिया इस स्पेस को और एक दिया इस स्पेस को। ओके, उसके बाद देखिए ईच दो पार्ट में डिवाइड हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि स्पेस में है तो एक इधर जाएगा एक इधर जाएगा, एक इधर जाएगा एक इधर जाएगा, वैसे तो किया है। तो देखिए एक इधर गया एक इधर गया, वैसे ही एक इधर गया एक इधर गया। ओके, तो देखिए ये पूरा का पूरा डायग्राम हमने अभी यहाँ ड्रॉ किया है। ओके, तो ये सारा काम हो गया। तो बेसिकली बेसिकली हुआ क्या, वन इसको पूरा इसको पूरा इसको पूरा एंड इसका हाफ, मतलब 1, 2, 3 3 एंड हाफ फिंगर्स को सप्लाई किया किसने, मीडियन नर्व ने। ये वाला कौन सा है, ये वाला है हमारा मीडियल वाला, ये है मीडियल। ओके, अब आते हैं किन पे, लम्ब्राइकल्स में। तो देखिए लम्ब्राइकल्स में बहुत सिंपल है, मैंने बोला था ना एक तो जाती है इससे एक जाती है इससे। अब बेसिकली हमने बोला था लम्ब्राइकल्स को नाम कैसे देते हैं, थंब की साइड से, थंब के पास यहाँ पे होगी फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। तो देखिए जो लेटरल से जाएगी बेसिकली फर्स्ट को ही जाएगी, आप यहाँ सेकंड नहीं ले सकते। तो देखिए वही जो थंब को जा रही है, थंब को का सॉरी इंडेक्स फिंगर को जो जा रही है उसको फर्स्ट को ही बोला ना, उसे फर्स्ट ही बोला, यहाँ सेकेंड क्यों नहीं लिखा, आप देख लीजिए यहाँ सेकेंड क्यों नहीं लिखा। तो दिस इज फॉर फर्स्ट लम्ब्राइकल।
ओके, और ये किसको देगी? ये देगी सेकंड नंबर आइकन्स को। तो देखिए ये भी क्लियर हो गया। अब देखिए, अब इसके बाद एक और चीज़ समझने की, ये बहुत सिंपल है, वो भी बहुत सिंपल है। हमें देखना है थिनर मसल्स की ग्रुप को, थिनर मसल्स को, क्योंकि सप्लाई इसको करती है। तो बेसिकली ये है थिनर ग्रुप, यहाँ पूरी थिनर मसल होगी और इसी से जाएगी, जो पाल्मर डिजिटल होती है उनसे ब्रांच नहीं जाती है, डायरेक्ट लेटरल डिवीजन से ब्रांच जाती है। तो देखिए एक लेटरल डिवीजन से गई रिकरेंट ब्रांच, देखिए रिकरेंट गई ना, नीचे से ऊपर भेज रहा हूँ मैं, नीचे से ऊपर रिकरेंट गई और सप्लाई किया तीन थिनर मसल्स को। तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, इन तीन तीन थिनर सॉरी इन तीन थिनर मसल्स को सप्लाई किसने किया? रिकरेंट ब्रांच ने। और ये कहाँ से निकल रही है? डायरेक्ट लेटरल डिवीजन से। तो देखिए डायरेक्ट लेटरल डिवीजन से रिकरेंट ब्रांच निकली और तीनों थिनर मसल्स को सप्लाई किया। ओके, तो ये सारा का सारा डायग्राम हमने प्रैक्टिकली भी देख लिया है कि रियल में ऐसा ही होता है। तो ये था पूरी की पूरी मीडियन नर्व के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को मैक्सिमम टू मैक्सिमम मेडिकोज तक पहुँचाइए।